हमारे साथ सरबजीत कौर नागरा जुड़ गई हैं, जो इस क्षेत्र को काफी क्लोजली वॉच करती है। सरबजीत, स्टॉक ने एक तगड़ा रिएक्शन दिखाया है 5% तक का, मोहाली यूनिट के क्या मायने होंगे सन फार्मा के लिए, स्पेशली इस इम्पोर्ट अलर्ट हटने के बाद? हाँ, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिलीफ है सन फार्मा के लिए, बिकॉज रैनबैक्सी के एक्विजिशन के बाद उनके रिटर्न रेशियो जो थे काफी लो जा चुके हैं, ओनली बिकॉज जो एसेट बेस है रैनबैक्सी का वो ह्यूज है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सन फार्मा के नंबर्स पे स्पेशली यूएस फ्रंट पे बहुत कम रहा है, जैसे क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो थे वो यूएस एफडीए में थे। तो मोहाली जो है उनकी एक अच्छी फैसिलिटी है, न्यू फैसिलिटी है, तो ऑब्वियसली एक बैन हटना एक बहुत बड़ा रिलीफ है सन फार्मा के लिए। अभी ये जो है यहाँ से जो है एक एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस में, तो एक और प्लांट अवेलेबल है उनके लिए जो काफी लेटेस्ट है और न्यू भी है, और अब न्यू फाइलिंग्स भी कर सकते हैं यहाँ से। तो डेफिनेटली उनकी रिटर्न रेशियोज और ग्रोथ में जो है काफी फर्क पड़ेगा, बट ये हमें लगता है कि टाइम लगेगा बिकॉज यहाँ से प्रोडक्ट फाइल होंगे, अप्रूव होंगे, तो उन सब प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो FY19 ही है जहाँ से जाके जो है ये इम्पैक्ट हमें लगता है कि दिखाई देगा। तो 2013 में इम्पोर्ट अलर्ट लगा था, अब इम्पोर्ट अलर्ट हटा है और आप कह रही हैं 2019 से यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होना शुरू हो सकता है। कितने रेवेन्यू की आप अपेक्षा कर रही हैं जो यहाँ से आ सकता है? पहले किस तरह के रेवेन्यूज कंपनी यहाँ से क्लॉक कर करती थी, अगर इस बारे में हमें जानकारी दें? देखिए, फिलहाल तो मुझे पता नहीं कि सन फार्मा कितना सेल्स कर सकते हैं यहाँ से, बिकॉज ये डिपेंड करता है कैसे प्रोडक्ट फाइल होंगे और कैसे अप्रूवल्स मिलेंगे। लेकिन जब रैनबैक्सी के पास प्लांट था मैम, तब किस तरह की रेवेन्यू ये प्लांट करता था, अगर वो बॉल पार्क फिगर हमें शेयर करें? प्लांट वाइज तो मुझे पता नहीं है, बट रैनबैक्सी के जो तीनों प्लांट जो यूएसएफडी के अंडर थे वो ऑलमोस्ट 40% से यूएस सेल्स को काउंट करते थे। तो ऑब्वियसली ये तीनों प्लांट काफी मेजर हैं इन टर्म्स ऑफ रैनबैक्सी के जो यूएस रेवेन्यूज पे कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअली प्लांट वाइज मेरे पास नंबर नहीं है टू कमेंट ऑन कि मोहाली एग्जैक्टली कितना कंट्रीब्यूट करता था। सरबजीत, स्टॉक में 5% की तेजी आई है, क्या आप इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद किसी तरह की रीरेटिंग की उम्मीद कर रही हैं? देखिए, सन फार्मा ऐसा स्टॉक है अब जो मेरे ख्याल से फार्मा में लीडरशिप पोजीशन डिमांड भी करता है और उसको जस्टिफाई भी करता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स ग्रोथ प्रोफाइल विच इज मच बेटर देन अदर फार्मा कंपनीज। तो उसके हिसाब से जो काफी समय से जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था तो उसमें उसकी मल्टीपल थोड़े श्रिंक हुए थे। तो हमें लगता है जैसे जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस इन लाइन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ लीडरशिप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, आई थिंक मल्टीपल्स फिर से जो उसके एवरेज मल्टीपल कंपनी जो एंजॉय करती है वो रफली 28 टाइम्स है 1 ईयर फॉरवर्ड। चलिए, तो बेहतरीन खबर, शुक्रिया आपका इस अच्छी एनालिसिस के लिए। एक बार चार्ट पर भी राय लेंगे।